और मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का। मेरे पास अल्फाज नहीं है उन तमाम जिम्मेदारों का कैसे शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने काफी मेहनत की इस जलसे को कामयाब करने के लिए।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो आप और हम यहाँ पर जमा हुए शरीयत के तहफ्फुज के लिए, ये बात बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों में एक तब्दीली को पैदा करें। ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम शरीयत पर अमल करें। हाँ, और अमल कैसे होगा? जब आप और हम दीन सीखेंगे, और दीन सीखने के लिए हमको उलमाओं की सोहबत अख्तियार करना पड़ेगा। उलमाओं के कदमों के पास बैठकर हमको दीन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तभी जाकर हम अपनी शरीयत की हिफाजत कर पाएंगे। यकीनन आज का मुल्क का मौजूदा माहौल हमारे लिए साजगार नहीं है, मगर मेरे भाई, हमारे मुल्क को आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे पुराशूर दौर से हमने कई मरतबा इसका मुकाबला किया, और हमने हमेशा अल्लाह की जात पर तवक्कल किया। आज इख्तदार उस सियासी पार्टी के पास है जिसकी आइडियोलॉजी यही है कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। आज सारे मुल्क में मुसलमान अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए बेचैन है, तो मैं अपने दीगर अपनाए वतन से भी कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने अपने मजहब की हिफाजत करना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी उनसे भी अर्ज करना चाहता है कि आप अपने मजहब पर चलिए, हमको इतराज नहीं हो सकता, मगर हिंदुत्ववाद की आइडियोलॉजी से हमको इतराज है, और पूरे मुल्क को इतराज रखना चाहिए, इसलिए कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग जो आज इख्तदार की कुर्सियों पर बैठे हैं, तारीख गवाह है कि उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी में हिस्सा नहीं किया। तारीख गवाह है कि इन लोगों ने अंग्रेजों से साथ बात किया। तारीख गवाह है कि जिसने लफ्ज हिंदुत्व या हिंदुत्व के नाम पर किताब लिखी जिसका नाम सावरकर है, उसने जेल में बैठकर एक नहीं 6-6 मरतबा अंग्रेजों से माफीनामे का पत्र लिखा। आज हिंदुस्तान को जो लोग सारी दुनिया में खूबसूरत मुल्क मानते हैं, इसलिए कि इस मुल्क में बेपनाह कल्चर है, तहजीबें हैं, यहां पर बेशुमार मजहब के मानने वाले। इस मुल्क में एक तहजीब नहीं बल्कि लिखा गया कि 2800 से ज्यादा तहजीबें हैं। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को बचाना है, इस खूबसूरती का खतरा किसी से है, तो उन ताकतों से है जो हिंदुत्व की तहजीब को मानते हैं। बैठाइए भाई, बैठिए बैठिए पूरे बैठाइए बैठिए। आज जो पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया, जिसको बीजेपी कानून बनाना चाहती है, उसका जिसका जिक्र आज सदर जमहूरिया ने अपने सदर जमहूरिया के खुतबे में उसका जिक्र किया कि हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक का कानून बनना चाहिए। आज के जलसे में हमारी सरदार माँ और बहनें भी हैं। मैं उन हमारी माँ और बहनों से अगर गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको इस कानून को समझने की जरूरत है। ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, जिसको बीजेपी इस बात का ऐलान कर रही है कि मुस्लिम खवातीन या महिलाओं से इंसाफ होगा, ये बात हमको समझने की जरूरत है कि खुदा ना खास्ता अगर ये बिल कानून बनेगा तो इससे मुस्लिम खवातीन से इंसाफ नहीं होगा बल्कि ना इंसाफी होगी।
और नाइंसाफी इसलिए होगी क्योंकि ये कानून ये कहता है, ये बिल ये कहता है कि सुप्रीम ए भाई देखिए मैं बैठ जाऊं जाके आपको वो में बैठे कोई नहीं बैठेगा चाहे बैठ गया सुनिए समझ बैठिए बोल जाओ तुम बैठ जाओ ये जो कानून लाया है देखिए मैं कोई बात कर रहा हूं हमारी माँ और बहनों के ताल्लुक से और आप यहां पर आवाज उठाकर ये बिल जो पार्लियामेंट में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कोई नहीं बैठेगा बैठो आप मेरे भाई देखिए वक्त नहीं है 11 बजे जल से खत्म कर रहे हैं आप बोले तो अभी खत्म करेंगे क्योंकि आपको बोलने इंडिया कप्तरी नहीं हुई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान उम्र ट्रिपल तलाक देता है तो भी शादी नहीं टूटती जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ चुका और फैसला हिंदुस्तान की आईन के मुताबिक आर्टिकल 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो पूरे अदलिया के लिए कानून बन जाता है सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी मोदी सरकार से नहीं कहा कि कानून बनाइए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तलाक बिदत सेट असाइड है अंग्रेजी में सेट असाइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल में जमीन आसमान का फर्क है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और उसके बाद बीजेपी ये कहती है कि हम कानून इसलिए बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट नहीं आया बल्कि वो माइनॉरिटी जजमेंट था और कानून की शब्द उसमें आप देखेंगे तो माइनॉरिटी जजमेंट की कोई अहमियत नहीं होती वो अपना जजमेंट अपनी जगह पर है और बीजेपी बार बार ये कहती है कि मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ के लिए बीजेपी ये कहती है कि हमारे पड़ोस में जो मुल्क है वहां पर एक तरह का कानून बना दिया गया कि अगर कोई तलाक बिदत देता है तो 3 साल की सजा उसको दी जाएगी मेरे भाई ये भी झूठ है हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क में इस तरह का कोई कानून नहीं है कोई अगर देता है तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी कोई कानून नहीं है ये कानून जो बिल बना रहे हैं इसमें बात कहते हैं दफा 3 में सेक्शन 3 में अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है एक ही वक्त में 3 मरतबा कहकर तो शादी नहीं टूटती जब शादी नहीं टूटती तो फिर सेक्शन 4 में आप कैसा कह रहे हैं कि सजा देंगे मुझे कोई गलती करनी चाहिए जिसकी बिना पर कानून मुझे सजा दे जब शादी नहीं टूटती तो फिर सजा किस बात की दे रहे हैं और हद तो यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अगर कोई ये कानून बनेगा कोई भी जाकर रोड चलता आदमी पुलिस को कंप्लेन कर सकता है कि मैं फलां घर से गुजर रहा था वहां पर मैंने आवाज सुनी तलाक तलाक तो पुलिस को FIR रजिस्टर करना पड़ेगा और उस घर के उस मर्द के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा उसको जेल को भी जाना पड़ेगा क्या कोई ऐसा कानून बनाता है कि कोई भी रोड चलता आदमी कंप्लेन कर दे दुनिया में ऐसा निराला कानून हिंदुस्तान के वजीर आजम बनाने जा रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ और वाजे तौर पर हम तमाम से इस बात की अपील की
और ये कहा कि अगर आपको खुदा ना खास्ता अपनी बीवी को तलाक देना है तो हरगिज इस तरह से मत कीजिए। बल्कि पसल्ला बोर्ड ने यहां तक कहा कि जो कोई मर्द इस तरह से तलाक देगा, मुस्लिम पसल्ला बोर्ड ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील की कि आप उसका समाधि बायकॉट करें। अगर जहीराबाद में कोई मुसलमान मर्द खुदा ना खास्ता अपनी बीवी को इस तरह से ट्रिपल तलाक देगा तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि पूरा जहीराबाद उसका समाधि बायकॉट करना चाहिए। क्या आप उसका समाधि बायकॉट करेंगे नहीं करेंगे? यकीनन करना चाहिए ऐसे मर्दों का जो इस तरह का काम करते हैं और गुनाह करते हैं बहुत बड़ा। यार इंडिया मुस्लिम पर्सनला बोर्ड ने बात कही। अब ये कानून औरतों के खिलाफ क्यों है? अगर कोई मर्द गुनाह करता है इस तरह का काम करके तो अगर पुलिस उसको पकड़ कर लेकर जाती है, मैं अपनी मां और बहनों से खास तौर से कह रहा हूं कि वो जालिम मर्द पुलिस स्टेशन में जाकर इंस्पेक्टर उससे पूछेगा क्या तुमने 3 मरतबा तलाक बोला, तो बोलेगा नहीं साहब मैं 3 मरतबा बोला। हंसने की बात नहीं है भाई, समझने की बात। कैसे ऐसा कानून बनाकर औरतों से ना इंसाफी का रास्ता निकाल, वो अगर जेल को भी चला जाएगा